फ्रेंड्स, आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस वर्सेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G। दोनों के अनाउंस डेट की बात करें तो 480 प्लस अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2021 में, वहीं 750G अनाउंस हुआ था सितंबर 2020 में। अगर कंपैरिजन को जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर न सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं टेक रूम। करने से पहले मैं आपको बता दूं आपको टॉपिक देखने को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले सीपीयू, ग्राफिक्स, मेमोरी, कैमरा, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, गेमिंग, रिव्यू एंड लास्ट में बेंचमार्क। स्टार्ट करते हैं हमने वीडियो का आर्किटेक्चर साथ। यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर हैं वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्नैपड्रैगन 480 प्लस में पहले 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक क्राइफोर 60 गोल्ड कॉर्टेक्स A76 है एंड 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक क्राइफोर 60 सिल्वर कॉर्टेक्स A55 है। वहीं स्नैपड्रैगन 750G में आपको 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक रैम 570 गोल्ड कॉर्टेक्स A77 देखने को मिलेंगे एंड 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक रैम 570 सिल्वर कॉर्टेक्स A55 देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अपने सीपीयू फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे 480 प्लस की सीपीयू फ्रीक्वेंसी है 2200 मेगाहर्ट्ज़ की एंड 750 की भी सेम है 2200 मेगाहर्ट्ज़ की। नेक्स्ट आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन पे। यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर जो है 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेसर पे बने हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने जीपीयू नेम में आर्किटेक्चर पे। सबसे पहले 480 प्लस के जीपीयू का नाम है एड्रेनो 619 एंड इसका आर्किटेक्चर है एड्रेनो 600 एंड 750 के जीपीयू का नाम है एड्रेनो 619 इसका भी आर्किटेक्चर एड्रेनो 600 ही है। यहाँ पे जीपीयू फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो इसमें 750G बेटर, इसकी पीक फ्रीक्वेंसी है 825 मेगाहर्ट्ज़ की एंड 480 प्लस की है 650 मेगाहर्ट्ज़ की। एंड इस बार गीगा फ्लॉप्स को भी मतलब फ्लॉप्स को देखते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स को। इसमें गीगा फ्लॉप्स में इसकी स्पीड है तो स्नैपड्रैगन 480 प्लस का है 490 गीगा फ्लॉप्स पर सेकेंड, वहीं 750 का नहीं पता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चाहते हैं रैम टाइप पे। यहाँ पे जो है दोनों ही प्रोसेसर जो LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज़ की है। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज टाइप पे। स्टोरेज टाइप पे 480 प्लस EMMC 5.1 के साथ साथ UFS 2.1 के इक्विवेलेंट सपोर्ट करता है एंड 750G जो है UMC 5.1 के साथ साथ UFS 2.1 एंड UFS 3.0 को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं वीडियो कैप्चर एंड वीडियो प्लेबैक पे। वीडियो कैप्चर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 480 प्लस वीडियो कैप्चर 1K 60fps पे करता है एंड 750G 4K 30fps के। वीडियो प्लेबैक की बात करें तो सेम ऐसे ही है, इसमें भी वीडियो प्लेबैक में 1K 60fps आपको स्नैपड्रैगन 480 प्लस देगा, वहीं 750G आपको 4K 30fps का वीडियो प्लेबैक दे देगा। मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 480 प्लस एंड स्नैपड्रैगन 750G में दोनों ही में 2520x1080 pixels का डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट कनेक्टिविटी में। सबसे पहले 5G की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसर 5G प्रोसेसर हैं एंड 4G LTE में 750G बेटर, इसमें LTE कैट 18 का सपोर्ट है, वहीं 480 प्लस में आपको LTE कैट 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ में दोनों ही प्रोसेसर जो है सेम है, दोनों में पास ब्लूटूथ 5.1 है। नेक्स्ट आते हैं अपने डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड में। डाउनलोड स्पीड में यहाँ पे आपको 750G बेटर देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें LTE कैट 18 का सपोर्ट है एंड इसमें इसकी जो पीक स्पीड रहेगी वह है 1200 Mbps की एंड 480 प्लस की है 800 Mbps की। अपलोड स्पीड की बात करें तो दोनों प्रोसेसर में से अपलोड स्पीड देखने को मिलेगी 210 Mbps की। साथ में गेमिंग पे स्नैपड्रैगन 480 प्लस आपको मोटोरोला G51 पे देखने को मिलेगा, वहीं स्नैपड्रैगन 750G आपको MI 10i पे देखने को मिल जाएगा। पबजी मोबाइल के साथ स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम फ्रेम रेट यहाँ पे दोनों में सेम देखने को मिलेंगे और ग्राफिक्स भी दोनों ही प्रोसेसर में सेम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सीओडी मोबाइल की तो मैक्सिमम फ्रेम रेट इसमें जो है स्नैपड्रैगन पीछे रहेगा, वहीं स्नैपड्रैगन 750G में आपको जो है 60fps का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स की बात करते हैं स्नैपड्रैगन 480 प्लस में वेरी हाई के साथ हाई का सपोर्ट है, जबकि स्नैपड्रैगन 750G में आपको वेरी हाई के साथ वेरी हाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं अपने रिव्यू पे। सबसे पहले सीपीयू स्कोर एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो सीपीयू स्कोर में स्नैपड्रैगन 480 प्लस का स्कोर है 41 एंड 750G का स्कोर है 47। गेमिंग में 480 प्लस का स्कोर है 26 एंड 750G का स्कोर है 33। आते हैं बात करते हैं इसमें पावर कंजप्शन एंड अंतुतु बेंचमार्क की। सबसे पहले बैटरी को देखते हैं तो दोनों प्रोसेसर जो है 74 स्कोर करते हैं बैटरी लाइफ में एंड अंतुतु बेंचमार्क की बात करें तो अंतुतु बेंचमार्क में 480 प्लस का स्कोर है 301409 एंड 750G का स्कोर है 384987। एंड लास्ट अपने गीक बेंच की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले सिंगल कोर में 480 प्लस स्कोर करता है 544, वहीं 750G स्कोर करता है 653। नेक्स्ट बात करें मल्टी कोर की तो 480 प्लस का स्कोर है 1657 एंड 750G का स्कोर है 1971। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।